हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्टूडियो एसोसिएट्स। आज हम देखेंगे लेबर लॉ का 2005 का प्रश्न पत्र। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन करें। अब इसका जो पहला प्रश्न है वो है व्यवसाय संघ की परिभाषा, दूसरा है व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत राजनीतिक कोष क्या है, तीसरा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायालय का क्या क्षेत्राधिकार है, चौथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी क्या है, पांचवा प्रश्न है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत उद्योग क्या है, छठा प्रश्न है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत मजदूरी के निर्धारण एवं पुनरीक्षण की प्रक्रिया का की विवेचना कीजिए। इसके बाद जो सातवां प्रश्न है वो है किन परिस्थितियों में एक हड़ताल गैर कानूनी होगी। इसके बाद आठवां जो प्रश्न है वो है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 एक सामाजिक सुरक्षा की व्याख्या कीजिए। इसके बाद नवा प्रश्न है हड़ताल एवं तालाबंदी में विभेद कीजिए। इसके बाद दसवां है निर्वाह वेतन, उचित वेतन एवं न्यूनतम वेतन की विवेचना कीजिए। इसके बाद ग्यारहवां प्रश्न है कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के अंतर्गत आंशिक नियोग्यता की विवेचना दीजिए। इसके बाद बारहवां प्रश्न है एक पंजीयक व्यवसाय संघ की विशेषता अधिकार क्या है। इसके बाद जो तेरहवां प्रश्न है वो है मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत परीक्षकों की शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद चौदहवां प्रश्न है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत केंद्रीय सलाहकार को गठन के विषय में वर्णन कीजिए। पंद्रहवां है औद्योगिक नियोजन अधिनियम के अंतर्गत स्थायी आदेश के विरुद्ध अपीलों में संबंधित उपबंध क्या है। इसके बाद जो सोलहवां प्रश्न है वो है मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत कटौती के विषय में क्या प्रावधान है। सत्रहवां है ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत किन परिस्थितियों में ग्रेच्युटी भुगतान देश भुगतान देय होता है। इसके बाद अठारहवां प्रश्न है पुरुष तथा स्त्री कर्मकारों के समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में क्या प्रावधान है। इसके बाद जो लॉन्ग में सेक्शन सी का पहला प्रश्न है वो है क्या व्यवसाय संघ अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य है, क्या ये अपंजीकृत होते हुए भी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का दावा कर सकता है, व्यवसाय संघ के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ क्या हैं। इसके बाद जो सेकंड प्रश्न है वो है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत उद्योग क्या है, इस विषय में निर्णित वादों की सहायता से समझाइए, क्या राज्य की पुलिस विभाग एक उद्योग है, कारण बताइए। इसके बाद सेक्शन सी का जो तीसरा प्रश्न है वो है नियोजन के क्रम में नियोजन तथा नियोजन से उत्पन्न दुर्घटना के कारण लगी चोट के निमित्त एक कर्मकार को कौन से उपचार खुले हैं, पूर्ण रूप से विवेचना कीजिए।